अतरंगीपुर गांव के सरपंच के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी थी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को थी। ये कह रहा है कि ये इसकी गाय है और वो कह रहा है कि वो उसकी गाय है। मैं दोनों से आखिरी बार पूछता हूँ, अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो इस गाय को मैं ही रख लूंगा। राजू और श्याम नाम के दो व्यक्ति एक ही गाय को पकड़कर मेरी है रट लगकर बैठे हैं। ये गाय सच में दोनों में से एक ही है, लेकिन वो असली मालिक कौन ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं। सरपंच जी, मैं एक बात कहता हूँ, टुनटुन बाबा को बुलवाओ, वो कोई ना कोई परिष्कार निकालेंगे। सरपंच श्याम की बात से सहमत होता है और टुनटुन बाबा को बुलवाने के आदेश देता है। राजू टुनटुन बाबा को लेने के लिए जाता है और कुछ देर बाद बाबा के साथ लौटकर आता है। सरपंच बाबा को सारी बात बता देते हैं। सरपंच की बात सुनने के बाद टुनटुन बाबा, इसका मेरे पास एक उपाय है। आज रात गाय सरपंच के पास ही रहेगी और अगले दिन सुबह अपने आप लौटकर अपने मालिक के पास चली जाएगी। इस बात का सबूत देने के लिए वो गाय सोने के रंग में बदल जाएगी। जो भी मेरे पास सोने का रंग की गाय लेकर आएगा, मैं उस गाय को असली सोने की बना कर दूंगा, जो अपना दूध भी सोने का देगी। सोने का नाम सुनते ही सरपंच राजू और श्याम के आंखों से लालच टपकने लगती है। जो भी हो, ये गाय मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए। सरपंच गाय ले जाते हुए मन में, मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, राजू श्याम और सरपंच। शायद ये तीनों ही कुछ गलत करने की सोच रहे थे। सब अपने आप को खंबाल में डाककर चुपके से गाय के पास जाते हैं और एक दूसरे को देखकर डर कर भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह सरपंच श्याम और राजू तीनों एक एक सोने के रंग की गाय पकड़कर ले आते हैं। शायद ये मेरी ही गाय है बाबा जी, इसीलिए ये कहीं नहीं गई। अब जल्दी से इसे सोने के गाय बना दीजिए बाबा जी। नहीं, असली गाय तो मेरे पास है, आज सुबह ही वो अपने आप चल कर आई थी। असली गाय वो है तो मेरे पास क्या है? टुनटुन उनकी बातें सुनकर एकदम से हंस पड़ता है। ये दोनों तो ठीक है, सरपंच तुम भी। मैं किसी भी गाय पर कोई जादू नहीं किया था और ना ही किसी गाय का रंग बदलने वाला था। ये आप क्या कह रहे हो टुनटुन बाबा? ये मेरी गाय दनाओ है, कुछ दिनों से लापता थी। मैंने इसे काफी ढूंढा, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं मिली। और फिर मैंने आपके घर आया था। हाँ राजू, यहाँ आने के बाद ये मैं कहता कि ये गाय मेरी है, तो आप सब राजू और श्याम की तरह ही मुझे भी लालची समझते, इसीलिए मैंने ये खेल खेला था। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, चलो दानो। ये कहते हुए टुनटुन अपनी धनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये तीनों भी अपने मुंह छुपाते हुए वहाँ से निकल लेते हैं। प्रगतिनगर नाम के गांव में विन्नला नाम की एक महिला अपने बेटे राजू के साथ मिलकर रहती थी। जब से राजू के पिता की मौत हुई थी, तब से विन्नला ही उसकी हर तरह से परवरिश कर रही थी। ऐसे अपने बेटे को पालने के लिए और उसे पढ़ाने के लिए लोगों के घर जाकर वो जो भी काम देते थे, चुपचाप वो काम कर लेती थी और ऐसे ही काम करते करते गांव गांव फिरती थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, गांव पहुंचने में और काफी समय लगेगा, तब तक हम कुछ खा लेते हैं ना माँ? राजू अभी छोटा था, इसीलिए
वो जहाँ भी काम करने के लिए जाती थी उसे भी अपने साथ ले जाती थी। ठीक है कहकर वो दोनों खाने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। इतने में पता नहीं कहीं से उन्हें किसी के कांपने की आवाज आती है। माँ, किसी के रोने की आवाज आ रही है। नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं जाकर देख कर आती हूँ, तुम खाते रहो। ये कहते हुए उस शब्द का पीछा करते हुए जाती है वेनिला। राजू वहाँ बैठ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहाँ पर जाकर देखा तो एक पूरी तरह से खराब हुए घर में एक बूढ़ा आदमी लेटकर कांप रहा था। अयो, कौन हो आप और इस कांधा जैसे घर में क्या कर रहे हो? भूख, मुझे बहुत भूख लग रही है। पीछे से उन्हें देख रहा राजू भागकर जाकर वो जो अपने लिए खाने के लिए खाना लाए थे वो खाना लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। इसे लीजिए दादाजी, आपकी थोड़ी सी भूख कम होगी। गांव से इतनी दूर अकेले इस पुराने घर में रह रहे हैं, इसका मतलब इनका कोई नहीं है। तुमने ये खाना लाकर अच्छा किया बेटा, मैं घर पहुंचाते ही तुम्हारे लिए खाना बना कर दूंगी, ये सारा खाना उन्हें दे दो। अगर सच में इनका कोई नहीं है तो ये कल से क्या खाएंगे माँ? इन्हें अपना घर लेकर जाते हैं ना माँ? जितनी देर में ये दोनों चार शब्द बात कर रहे थे उतनी देर में वो बूढ़ा आदमी सारा खाना खा लेता है। अपने पास ही रहने के लिए घर नहीं है बेटा, इन्हें ले जाकर कहाँ रहेंगे? एक काम करते हैं, हम रोज यहीं पर आकर इन्हें खाना देकर जाते हैं, ठीक है ना? क्या मुझे रोज खाना लाकर दोगे? फिर से सोच लो बेटा, एक बार मुझे जुबान दे दी तो फिर पीछे नहीं हट सकती हो तुम। मैं कभी भी अपनी बात से नहीं मुकारती दादाजी, जब मैं आपको खाना लेकर दे सकती हूँ तब मैं लाकर देती रहूंगी। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो बूढ़ा आदमी एक बड़े से दानव में बदल जाता है। वो देखकर हैरान हो जाते हैं वेनिला और राजू। अब बताओ, तुमने मुझे रोज खाना लाकर देने का वादा किया था ना, कितना खाना लाकर दोगी? अपनी बात से मुकर गई तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी बात के मुताबिक तुम्हें खाना लाकर दूंगी। ये कहते हुए दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह वेनिला एक रेडी भर का खाना और करी लेकर जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो कि दानव है एक झटके में सारा खाना खा जाता है। अगले दिन सुबह घर में जितना भी चावल है सब पकाकर लेकर जाती है और बूढ़ा राक्षसी दानव वो खाना भी एक ही झटके में खा लेता है। माँ, उन बूढ़े दादाजी ने एक ही झटके में पूरे महीने का खाना खा लिया है, अब घर में चावल का एक भी दाना नहीं है, उन्हें अब क्या लेकर दे देंगे? मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए और किसी को जुबान देने के बाद हमें अपने स्वाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए बेटा। ये कहते हुए अगले दिन एक टोकरी भरकर रोटियां बनाकर लेकर जाती है। उन रोटियों को भी एक ही झटके में खा लेता है वो बूढ़ा आदमी। क्या है ये रुका सुका खाना? अगर तुम मुझे मेरी पसंद का स्वादिष्ट खाना लाकर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी बात से मुक्त करके आजाद कर दूंगा। वहाँ से घर लौटने के बाद वेनिला उसे ऐसा क्या बना कर दूं ये सोचते हुए काफी परेशान होती है। तब राजू, माँ पानी पूरी वाला आया है, मैं खाकर आता हूँ, ठीक है ना? वो बातें सुनते ही वेनिला को एक बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। ये बूढ़ा आदमी गांव बाहर खांदा जैसे घर में रहता है, इसका मतलब
वो इस जमाने का तो नहीं हो सकता है, और उसे इस जमाने की पानीपुरी के बारे में तो हरगिज पता नहीं होगा। कल वही दूंगी उसे। ये कहते हुए बहुत सारी पानीपुरियां बनाकर उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाती है। वो पानीपुरी खाने के बाद उस बूढ़े आदमी को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो दोबारा से अपने इंसान रूप में आ जाता है। और उसके बाद, मैं अपनी इतनी लंबी जिंदगी में कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मैंने तुम्हें इतना परेशान करने के बावजूद भी बड़े सब्र से तुमने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में अपना घर दे रहा हूँ। आज से तुम इस घर में रह सकते हो। ये कहते ही वो खानदार जैसा घर एकदम में बहुत बड़े खूबसूरत घर में बदल जाता है। मुझे ये खाना बहुत पसंद आया है, इसीलिए तुम इस खाने के साथ अपना व्यापार करो। इससे तुम्हें घर के बाहर इधर उधर भटकने के भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए एक मैजिकल पानी पूरी की मशीन बनाकर वो बूढ़ा आदमी उस लोगों को देता है। इससे खाना बनाने की तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बटन को एक बार दबाने से खाना अपने आप बन ले जाता है। अच्छे से व्यापार कर लो और दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करना। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। जब से वो उसी घर में रहते हुए उस पानी पूरी मशीन से निकलने वाले खाने से अच्छे से व्यापार करके पैसा कमाकर दूसरे गरीब लोगों को भी अच्छे से मदद कर रहे हैं।